जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही तरीके से देश में और हरियाणा में सरकार चलाना चाहती है, वो लोकतंत्र की निशानी नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और उसका पुरजोर तरीके से विरोध हर जगह पर किया जाना चाहिए। जैसे हमारे किसानों के ऊपर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार अत्याचार कर रही है, चाहे वो हरियाणा के अंदर जगह जगह धरनों पर बैठे हुए किसान हो, कोई अपनी बिजली की जो हाई टेंशन लाइन्स हैं वो खेतों में से निकाल दी बिना कोई मुआवजा दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए उसको लेके धरने पे बैठा है, कोई फसलों के मुआवजे की मांग को लेके धरने पे बैठा हुआ है, कोई MSP गारंटी कानून के लिए आंदोलन करना चाहता है। हर तरह के किसान पर, हर तरह के पीड़ित वर्ग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है। और जो किसान MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं वो उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हरियाणा सरकार उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। कोई कॉल नहीं है किसानों की कि हरियाणा में कोई प्रदर्शन करना है, कोई कॉल नहीं है हरियाणा में सड़कें बंद करने का या इस तरीके का, उनको सिर्फ हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना है और रामलीला मैदान में उनको अपना धरना प्रदर्शन करना है, जिसकी परमिशन भी उन्होंने बाकायदा मांगी, सरकार ने वो परमिशन नहीं दी और अब हरियाणा सरकार उनको रोक रही है, जिसका कोई संवैधानिक अधिकार हरियाणा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का 19(1)(d) आर्टिकल हमें ये इजाजत देता है कि हम देश में कहीं भी आजादी के साथ आवाजाही कर सकते हैं, आने जाने का रास्ता कोई बाधित नहीं कर सकता, लेकिन हरियाणा सरकार ने सीमेंट के स्ट्रक्चर्स बना बना के जो भी हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे हमने 75-76 साल में तैयार किए थे वो सारे एक झटके में उन्होंने ब्लॉक कर दिए। जगह जगह परीक्षाएं हो रही हैं, आज भी HSSC की परीक्षा है, रात रात तक इंटरनेट बंद था जिसकी वजह से बच्चे अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाए, रात रात तक लाइनें लगी हुई थी कैफे के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछली परीक्षा हुई थी HCS की उसमें भी 50,000 बच्चे परीक्षा देने के लिए नहीं जा पाए थे। आज HSSC की परीक्षा में आज भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच पाएंगे वो देखना होगा, लेकिन ये मौलिक अधिकारों का हनन है। हमको ये समझना है कि लोकतंत्र के अंदर आप किसी को भी आंदोलन करने से, अपनी मांगे रखने से रोक नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कोई भी सवाल ना पूछे, किसी भी तरीके का कोई आंदोलन ना करे और जो वो कहें वो सब कुछ लागू होता चला जाए। आम आदमी पार्टी किसानों की मांग के साथ है और हम ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे अध्यादेश लाके वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको पलटने का काम करती है, उसी तरीके से अध्यादेश लाके MSP गारंटी कानून को भी लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ नेता, बीजेपी के कुछ नेता जो है वो कह रहे हैं कि सारा प्लांटेड मामला है, पंजाब के नेताओं ने किया हुआ सारा ये जो किसान आंदोलन हुआ था। तो पंजाब भी तो इस देश का हिस्सा होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है पंजाब इस देश का हिस्सा है या नहीं, पंजाब पे भारत का संविधान लागू होता है या नहीं होता है। अगर भारत का संविधान पंजाब के ऊपर भी लागू होता है और हरियाणा के भी सारे किसान, हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में साथ हैं, जिस दिन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जिस तरीके का अत्याचार चल रहा है, जिस दिन वो बैरिकेड टूटा, हरियाणा का एक एक किसान इस आंदोलन में शामिल होगा जैसे पहले शामिल हुए थे। हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन के साथ हैं पूरी तरह से। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये अधिकार किसने दिया कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने आना चाहता है, आंदोलन करने आना चाहता है, तो उनको रोकने का क्या अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास है? संविधान तो उनको ये अधिकार नहीं देता, उनका तानाशाह हुक्मरान उनको अगर ये अधिकार देता है और उनको ये आदेश देता है तो वो इसका मतलब तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान तो 19(1)(b) हमें इजाजत देता है आर्टिकल कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और 19(1)(d) अधिकार देता है कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। ये दोनों मौलिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन रही है, जानबूझ के साजिश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को भड़काने का प्रयत्न कर रही है। जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा, कोई अपने ही लोगों के ऊपर कभी पैलेट गन, रबड़ बुलेट्स, जिस तरीके से ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायर्ड डेट के गोले गिराए जा रहे हैं। कल को आप रिकॉर्ड मांगेंगे तो वो कहेंगे देखो रिकॉर्ड में तो 50 गोले गिराए गए, जबकि हजारों की संख्या में आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ये निश्चित तौर पे अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों को दुश्मन समझ के भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।